जी खुदा का किसका वास्ता दोनों चलेगा हारून में सुन लिया करो तुम डॉक्टर में क्यों नहीं जा रहे हो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है ना बैठ क्यों रहे चल यार जाना है तो किधर जा रहे हैं Assalamualaikum everyone, this is me Aiman Harun. की आले ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से. गाइस सबसे पहले तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप लोगों से हमारी कोई वीडियो स्किप ना हो. गाइस आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने करना है आज सर्कल फैमिली के साथ प्रैंक. अच्छा, हमेशा इन लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किए, मुझे इग्नोर किया, हारून ने अपना एक्सीडेंट करवाया, पता नहीं क्या क्या किया, काम वाली का प्रैंक, मैं इतना रोई. तो आज मैं रो रो के मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने सोचा आज मैं रुलवाऊंगी खून की उल्टियों के साथ सर्कल फैमिली को, खून के आंसू. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. दरअसल मैंने ये प्रैंक बहुत पुराना करना था पर मौका ही नहीं मिला, इन लोगों ने टाइम ही दिया. गाइस हारून के बाजू में काफ़ी अरसे से दर्द है तो सर्कल फैमिली में सीरियस लिया हुआ है कि यार डॉक्टर के पास जाओ, पर हारून नहीं जा रहा, ये तो एक प्रैंक है ना. तो मैंने हारून को इस प्रैंक में अपने साथ मिलवाया और अब हारून करेंगे आज उनके बाजू में बहुत सीरियस वाला दर्द होगा और हारून करेंगे खून की उल्टियाँ. ये देखें इसको खांसी भी आ रही है बेचारे को. हाँ हाँ बिल्कुल सही एक्टिंग है. गाइस ये ऐसे करेंगे उल्टियाँ, मैं इनके मुंह में डालूंगी जर्दे का रंग और ये जब उल्टी करेंगे सर्कल फैमिली होगी शॉक्ड और परेशान और मैं देखूंगी उनके रिएक्शन क्या होते हैं. लेकिन गाइस इन लोगों ने मुझे इतना रुलवाया है कि इस अपने प्रैंक में जो मैं प्रैंक कर रही हूँ उसमें भी मैं रोऊंगी, वो तो रोएंगे लेकिन मैं भी रोऊंगी. तो ये हमारे पैर बैठे हुए हैं जिन्होंने करनी है खून की उल्टियाँ, जिनके हैं बाजू में दर्द. जी कैसे हैं आप? पहले बकरे को सुलाने के लिए पहले जो प्यार करते हैं वो करवा लिया. सही हो, क्या करूँ गाइस, बीवी के साथ तो देना पड़ेगा, सर्कल फैमिली का साथ है तो अब इसका भी साथ देना पड़ेगा. लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई ये प्रैंक में सारी जगह मैं क्यों होता हूँ. क्योंकि गाइस हारून की एक्टिंग देख के सबको आती है चस. पहला प्रैंक हारून के साथ हुआ था, हारून के पड़े होते चम्माट, आपने देखे होंगे हारून को कितने ज्यादा चम्माट पड़े हैं. तो अब हारून के साथ ही हम करेंगे जिंदगी भर के सारे प्रैंक क्योंकि हारून बहुत करता है अच्छी एक्टिंग. हाँ जी बिल्कुल, पहले व्लॉग में फेक मैरिज प्रैंक में थप्पड़ खुलवा दिया, दूसरे प्रैंक में तुम लोगों ने मुझे एक्सीडेंट करवा के पटिया बनवा दी, तुम खून की उल्टियां. तो गाइस अभी देखिए खून की उल्टियां करेंगे ना तो फिर आप देखिएगा कितनी चस आएगी. अभी अभी मैं करती हूँ हमजा को कॉल और मैं कहती हूँ कि हारून की तबीयत नहीं है ठीक. तो अभी बस आप हमारा व्लॉग देखने के लिए साथ साथ रहिएगा और आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा. हमने की है हमजा को कॉल और हम देखते हैं हमजा का क्या रिएक्शन होता है. मैं कहती हूँ हमजा को आप बनाए. अस्सलाम वालेकुम. हमजा यार आप लोग कब तक आ रहे हो? मैंने एक जरूरी बात करनी थी यार. क्या हुआ? यार वो ना हारून की तबीयत तुम्हें पता है ना कब से खराब है, उनके बाजू में दर्द, मैंने तुम्हें बताया था ना. तो यार तुम लोग आओ खुदा के लिए खाना खा के उसको डॉक्टर के पास ले जाओ यार, वो खुद नहीं जाएगा हमजा, तुम लोग ही लेके जाओगे. हाँ ना मैंने मोइन हीरा को भी बुला लिया क्योंकि उसकी बहुत तकलीफ है आज, तो उसको इतनी बुरी खांसी हो रही है, मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ तुम सोच नहीं सकते. उसने खुद तो जाना नहीं है, तुम लोग ही कुछ करो. नहीं मैं तो डरता हूँ सीधा आ गया. हाँ तुम लोग कितनी देर में पहुँचोगे? बस ठीक है, जब 10 मिनट में पहुंचते हैं मुझे बता देना, मैंने चावल चढ़ाने हैं बस. फिर तुम लोग यार अभी भी मैं वही तो कह रही हूँ बहुत तबीयत खराब है, बस तुम लोग जल्दी आओ फिर इसको खाना वाना खा के ना लेके जाओ डॉक्टर पे. ओके अल्लाह हाफिज. या हो मैंने तो कर दिया है हमजा को पक्का और अब मुझे करनी पड़ेगी सीरियस एक्टिंग. मुझे लगा एक्टिंग में मेरी आज हंसी निकल जाएगी. गाइस अगर मेरी हंसी निकल गई तो आज हारून मेरा प्रैंक खराब ना करना. ए चुप्पे. गाइस अब हमजा नौशी आने वाले हैं, हीरा मोइन आने वाले हैं और फिर हम देखते हैं उनके साथ क्या होता है, बड़ा मजा आने वाला है. 2 hours later. गाइस हम आ गए थे हारून की तरफ, तो उसने मुझे दावत पे बुलाया था. अहमद ने भी कितनी देर है अहमद यार खाने को यार. चार गोश्त. वाह जबरदस्त. मटर पुलाव भी है. नौशी तुम क्या ढूंढ रही है? वो रख चुकी है यार. अच्छा देख मेरी बहन क्या चीज है, मतलब ये वो आधे ट्रे खाली हुई भी है, इसका वजह से जांग रही है.
हमजा मैंने कहा तुम लोग कहोगे एक डिश बना के खिला दी, इसलिए मैंने दो बना दी। यार तुम इतना मत सोचा करो, बल्कि सोचा करो यार, बड़ा हरामी हो बेटा। चलो यार गाइस खाना पे तो आए क्योंकि ठंडा हो रहा है, अमन कह रही फिर मुझे बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा। अच्छा गाइस पराठे के तरह चारी गोश्त का मजा ही अपना है। अब मैं लोग को यहाँ थोड़ी देर रोकता हूँ, खाने की तरफ जाता हूँ। खाना खा लेते नहीं 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 गाइस, फिर मैं से खाया नहीं जाता यार। चले मैं बीच में थोड़ी देर आऊंगा, अभी फिलहाल मैं खाने लगा। ठीक है मजेदार अमन ये क्लीन मानो भट्टी का टेस्ट लग रहा है यार। वैसे ही खाने बनाती हूँ यकीन माने, क्या सारी मजा आ रहा है। क्यों जी? हाँ जी जबरदस्त A1। अंदर क्या याद रखोगे तुम, एक ही तुम्हारा साला है, उसी बेगम में अच्छे अच्छे खाने खिलाती है। निशी आपको कैसा लग रहा है? हाँ यार हीरा का भी बोल, मैंने एक यकीन माना जब तुम्हारे रिश्ते आए थे उन्होंने बोला हिंदुस्तानी, मैंने कहा हाँ कर दो। आप लोगों को पता है हमजा की मामा के बिल्कुल घर के सामने एक हिंदुस्तोड़ी रहती थी और वो खाने भेजती थी हमजा को। इसलिए हमजा को पता है कि हिंदुस्तोड़ों के खाने। अच्छा तब भी पता लगा हमजा खाने खाते पीते घर के साथ ले घर पे। यार इसने तो बोलते रहना मैं अपनी जो चारी गोश्त है सारी यकीन मजा आ रहा है। ये देखें जी मैं आपको खाते हुए दिखाता हूँ थोड़ा सा। गाइस तो वो लोग गए हैं खाना खाने और मैं सोच रही थी कि मैं कैमरा कहाँ सेट करूँ, तो मुझे एक बड़ी फिट जगह मिली है। और जैसे यहाँ पे कैमरा मैं, क्योंकि इस कैमरे में फुल कमरा नहीं आ रहा, तो मैंने हारून से बोला कि जैसे उसकी तबीयत ख़राब हो वो उल्टी करे तो वो इधर ज़मीन पे आके बैठ ताकि फुल वीडियो बन जाए। देखे मैंने सोचा है कि मैं यहाँ कैमरा सेट करूँगी यहाँ से। हारून आ रहा है ना, ऐसे बाहर निकाल के है ना, पकड़ो बाहर से पकड़ो। जी गाइस तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कैमरा सेट और हारून को जैसे ही उल्टेगी तो हारून यहाँ पे आके गिरेगा और वो ऐसे बैठ जाएगा और उसके बाद सारा जो भी कुछ होगा वो तो आप देखेंगे। तो मैं भी देखती हूँ वो लोग खाना खाना खा रहे हैं, तो उनको यहाँ मोबाइल नज़र नहीं क्योंकि LED है और LED के पीछे मैंने किया है कैमरा सेट। ओके गाइस मैं किचन में जा रही हूँ, देखती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। 5 minutes later हम लोगों ने खाना शाना खा लिया। पूछते हैं कैसा खाना बना था। वैसे तो मैं अच्छा ही बनाती हूँ लेकिन मैंने कहा फिर भी इन लोगों से कमेंट्स ले लें। जी नौशी क्या कैसा खाना बना था? अच्छा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्ती नहीं ना बोलो नहीं फोन में थी क्या? अच्छा बताओ कैसा बना, कोई ऐसा वर्ड बोलो जिससे मुझे खुशी हो। लजीज नहीं अब हमजा बताएगा। खाने का फैन हूँ यार, देखो ना उसकी हालत नहीं ठीक यार, मुँह में पान खा के चुबा के। इसके बाजू में कितने दिन से दर्द है, तुम लोग क्यों सीरियस नहीं ले रहे हो? क्यों दर्द है? मैं तुम्हें बताया तो था पिछली दफा भी तुम लोग गए थे इसके बाजू में, उस टाइम भी तो दर्द थी यार। इसको हॉस्पिटल ले जाओ, कोई नहीं जा रहा ना हमजा, तुम ही ले जाओ। कितनी दफा से बोलो, हजार दफा से तो मैं कह चुका हूँ, चलो चलो चलो। बुरा तो नहीं हुआ ना फेफड़े से ही आ जाएगी, ऐसी बातें करते हैं। एक बात कहूँ मेरे ख्याल से कि अभी तुम लोग उठो पहले इसको लेके जाओ आके बाकी भी लोग बनाना, मुझे वाकई में सीरियसली बहुत टेंशन है। आप जाएं हारून अपना चेक करवा के आए यार। चलो फिर क्या करो, एक काम करते हैं ना हम मोइन को कॉल करके बुलाते हैं। हारून ये मत कहना रहने दो। नहीं नहीं हम तुम मोइन को कॉल करो, तुम मोइन को कॉल करो, उससे को आए कॉल कर दो यार मोइन को। मैं वो देखो खांस खांस से इतना बुरा, मेरी जुबान में कुत्ता खांसी कहते हैं। 15 minutes later मोइन आज हमने तुमने डिनर पे बहुत मिस किया, लेकिन यार तुम्हें पता है सीरियसली बात है कि हारून की तबीयत, तुम कितने दिन से उसके साथ हो यार, तुम ही केयर कर लो, ले जाओ उसको। यार मैं पिट पिट के मर गया हूँ कि उसको भाई खांसी एक तो कम कर दो और ये खाना पीना का ख्याल करो, बेतुकी चीजें खाते रहते हो, फास्ट फूड खाते रहते हो, उसके बाद में नहीं हमजा उसको किसी और वजह से दर्द है। चल झूठा, तुम लोग जैसे कह रहे हो ना फास्ट फूड वगैरह, इस वजह से नहीं हमजा उसको। फिर क्या करें यार, उसको टाइम से जिद करी जा रहा हूँ, चल ले अभी भी समझ से बाहर। नहीं तुझे नहीं मैं अभी हीरा मुझे कह रही मैं भी साथ चलती हूँ, मैंने कहा नहीं तुम नहीं चलो, बस मैं जाके एक मिनट आऊंगा चक्कर। सबको बुला तो लिया, अब चले जाओ हारून डॉक्टर पे। पागल तो नहीं है, क्या हो गया तुझे?
कैसे किस तरह की बातें हैं, ये पागल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हर चीज को मजाक में क्यों लेता है यार? यार हो जाएगा नॉर्मल, क्या हो जाएगा नॉर्मल वाली बात नहीं है यार। घंटे से तुझे खांसी आ जा रही, बैठ जा यहाँ से आराम से, इधर उधर फिर जा रहे ऊपर से। वाह करो ना खाना खाया था, मैं हजम हो जाना घंटा हो गया हमने खाना खाया था, वॉमिटिंग हो जाएगी ना इसलिए। तो चल ले ना जाके चेकअप कराते हैं, जरा मोहन तो क्या मेरी बस हो गया यार, हर चीज को मजाक में लिया करो। यार वो कन्विंस ही कर रही है ना, और क्या कर रही है वो? नहीं वो नहीं तो मैं लोगों को भी दिखा रही हूँ ना कि मेरे मियां साहब कोई बात नहीं मानते। उस दिन भी तो एक्सीडेंट हुआ था, तो व्लॉग चल ही रहा था ना, चल ही रहा था ना, अभी मान नहीं रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं मैं भेजती हूँ उनको, चलो उठो फौरन। खुदा का किसका वास्ता है, दोनों चलेगा हारून में नहीं, तो तबीयत खराब हो रही है तो वॉक कर रहे हो ना? ना वॉर्मिंग कर दी, कोई मसला नहीं है, वॉक करूंगा थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा यार, वॉक से कुछ भी नहीं बनना। चल ले यार तू तो घर ले, बस ठीक है यार, मैं नहीं बोल रहा यार, मेरी बस होगी यार, मुझे कॉफी चलो 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 ना वॉक करके आना यार, एक दिन बात तुम इसको कन्विंस करो, तुम जाओ इसको पीछे कन्विंस करो, मैं तो बस हो गया मेरी से। मेरी बात सुनो, तुम मुंह में क्या डालोगे? तुमने ना मुझे ना सही जिगर करना था। एक भी मेरी बात सुनो, हारून साहब बुलाए थे, नहीं आ रही इधर तो, यहाँ मेरी बात सुनो, पंखा चला दिया मैंने जिस बार में गई थी, देखे पंखा चला दिया। मेरी बात सुनो, तुम जो जर्दे का रंग लेके आए वो येलो कलर का, तुम्हें पीली उल्टी आएगी, तुम्हें यार कान वाली उल्टी है, तो डाले ना केचप, कैसे डालोगे तुम? पहले केचप डाल के मुझे मुझे उल्टी करके कर। गाइस केचप का खून का बना हारून निकल, जब की उल्टी बनाने का आसान तरीका ये देखे, पानी डाल दिया और उसके बाद हम लेके आएंगे नेचुरल टमाटर केचप, और अब ये देखते हैं हम इस पर डालते हैं केचप, ये देखिए किसना कड़ी हो रही है गाइस, ये लेगा हारू अपने मुंह में और एकदम से करेगा, तो हम देखेंगे उन सबके रिएक्शन क्या होते हैं आज, तो ये सब देखना, खून के आंसू रोएंगे और हारून करेंगे खून की उल्टियां। गाइस तो अमन उसको बाहर वॉक करवाने गया, मैंने कहा उतनी देर में आपका भाई व्लॉग बना रहे, क्योंकि सुबह से व्लॉग तो बना ही रही थी यार, वो व्लॉग सुबह से बना रही थी मैं, बात को नहीं ना, सुबह से बेशक बना रही थी, तुम नहीं बनाओ तुम उसको डॉक्टर पे लेकर, वो तो मैंने उसको कहा यार हमजा मैं आया हूं इसको लेके चलते डॉक्टर, तुझे उसने बुलाया इसी वजह से तू जा क्यों नहीं रहा यार, वो वॉक करा ले तेरा खाना यार, वॉक का क्या होगा मुझे तो बताओ, वॉक का कुछ नहीं होता, वो उसके बाजू में, वो देखो आ गया यार अहमद, क्या हुआ यार, ये बात को मेरी तरफ सुनो हारून, किसी की सुन लिया करो तुम, डॉक्टर पे क्यों नहीं जा रहे हो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है ना, बैठ क्यों रहे, चल यार जाना है तो हारून, क्या हुआ किधर जा रहे हैं, किधर की है इसने, यार हारून तू उठ के लफा हो जा, बगैरत में तेरा बैठा तोड़ दो यार, तुझे मजाक लग रहा है यार, वो देखो मोइन ने उधर, ये बात नहीं, कैसे लेके जाएंगे जन्नत में, लेके जाएंगे उठो यार, अहमद तुम ही बोल दो यार, तू गाड़ी तो निकाले फिर जाओगी, गाड़ी निकालो, मैं गाड़ी में नीचे से निकाल तो मैं चाबी निकाल दूंगा, नहीं मैं ड्राइवर को बोला गाड़ी का फोन करो, फोन कर दो, अच्छा मैं को फोन कर दो, उठो, तुझे मजाक लग रही है यार, खुदा का वास्ता उठ जा, ड्राइवर खराब करो, चलो कैटल नहीं खत्म हो रहे तुम्हारे, चलो हर टाइम तेरा मजाक नहीं मुकता यार, चलो 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 शाबाश इसको ले लो, इतनी क्या किया यार, इसके जैकेट से बना दो यार, जैकेट मैं जैकेट लेके आता, तुम सारे जो जैकेट लेके आते हो गाइस, उसको बाय लेके जैकेट जैकेट मांग रहे हैं यार, मेरे पास ना मैं कहीं अंदर आओ, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी आंखों पे आ रहा है, उठा इसे गोद में, उठा उठा उसे खड़ा तो करो ना, तू उठा लेना मिस्त्री, उठा जा रहा है, उठाओ उठाओ, कैसे मत करो, कैसे
वो देखो उसको फिर उल्टी आ गई। हारून भी क्या वॉशरूम में उल्टियां कर रहा है यार। तू भैया मुझे समझ ही नहीं लग रही तुम लोगों की हरकतें। यहाँ पर आके बैठी जा रहे तुम इसको मना करी जा रही हो। मत जाओ लेके छोड़ दे यार। तुम क्यों इतना फैंसी कोट लेके आए? मेरी बात तो सुनो। मुझे तो बड़ी गुस्सा आ रहा है यार। ये क्या मोइन? एक बात को लेकिन एक बात को ये बहुत गलत है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो यार। क्यों क्यों मेरे साथ जब प्रैंक गए तब तो तुम्हें गुस्सा आया? नहीं था करना यार, इसको बंद करो। अब तो मैं इसको मन करवा के छोड़ इसको बंद कर दो। मैं क्या करूं गाइस? मैंने आपको क्या कहा था? और एक टाइम खाओ आप, मैं इधर आके मारूंगा, खुद मारोगी। गाइस गाइस मैंने आपको क्या कहा था कि मैं सर्कल फैमिली को रोऊंगी खून के आंसू, खून की उल्टियों के साथ, खून के आंसू। मैं मुंह ही तोड़ दूं। अच्छा कुत्ते ने अपने उठा के नीचे फेंक दिया। अच्छा गाइस ये देखिए, गाइस 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 प्लीज प्लीज मोइन कोट क्या निकाल के हॉस्पिटल लेके आए शादियों वाला? मोइन मेरी बात सुनो यार, तुम लोग यार तो खुदा के लिए कोई फैंसी जैकेट कोई नॉर्मल निकाल ना। हट ड्रामे लगाया करो तुम लोग। तुम लोग बगैरत हो गए तुम लोग। अब यार ऐसे तो मत बोलो यार। बाकी मुझे तो उस टाइम मैंने भी फन कर लिया, मुझे बाकी मेरे दिमाग की नस ही गया। ये देखो पसीने निकले हुए हैं। हारून गाइस अच्छा हारून मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है मैंने इतना महंगा टिंट इसके मुंह में डाला है, ऑनलाइन मंगाया था। मैंने पहले केचप का किया था, हमने केचप का वो बैक शूट भी बनाया था हमने बैकअप, लेकिन वो केचप काम नहीं की, केचप लग नहीं रहा था। वो केचप लग नहीं रहा था, पता नहीं क्या है। ये देखो किस तरह बातें कर रहे हैं। हाँ तो किस तरह दिल फट रहा है? बाकी अभी तक एक्सीडेंट वाले में क्या हुआ था जनाब? तो मैं तुम्हारा मियां साथ मिला दो तुम मुझे क्योंकि भाई अब देखोगे साथ बनता देखो मैंने इसको दिया। नहीं किया करो इतने खतरनाक तो नहीं करो भाई। सारी बातें छोड़ो, मेरी एक्टिंग कैसी लगी आप लोगों को? बहुत, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूं आज, बहुत। मुझे डर मेरा तो हवाओं में घूमने का दिल कर रहे हैं गाइस। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा गाइस। अब ये बच्चे अब देखना इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन क्या मोइन की तबीयत खराब हो रही है? वो उस बेचारे को जो तुमने बुलाया आधी रात को, हमने बुलाया यार है तो प्रैंक ऐसे थोड़ी होते हैं, बुलाना ही पड़ता है ना। व्लॉगिंग करनी है तो तरीके से करो वरना ना करो। ये तरीका है भाई, आधी रातों को फोन करके तबीयत खराब क्या हुआ? नहीं है भाई ये जब बातों के साथ कसम से खेल रहे हैं तुम लोग। ये व्लॉगिंग आप तुम बच्चों ये याद रखना, आप बगला तुम बच्चों। गाइस आपने देखा मैंने प्रैंक किया नहीं। भाई मेरी उल्टियां कर करके बुरा असर हो गया था। एक बात कहूं अरुण ने सच में किचन में उल्टी हुई थी, गंदा ना हो तो प्रॉमिस मुझे खुद देख के उल्टी। तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। फेट फेट लेकिन मुझे वो हंसी आई है जब मोइन खींच के चलो यार तुम में। बहुत मिस कर रही हूँ इस प्रैंक में। अगर हीरो होती मुझे तो लगता है वो बेहोश हो जाती। हीरा शुक्र है उसने बुलाया यार, वो तो मुझे समझ से बम है। अच्छा मुझे ना शक हो रहा था अमन बार बार इसको यहाँ की सीट पे बिठाई जाए, बार बार इधर घसीटी जाए, फिर मैं कुछ चलो चलो उसको घसीटी जाए नीचे बैठ जा बैठ जा। मुझे समझ नहीं मुझे। ये बहुत खतरनाक प्रैंक था ये तो। अच्छा गाइस अच्छा गाइस सॉरी सॉरी मैंने एक ही दफा की और बम फोड़ा। आपने मुझे तो तुम मेरे से भी डेंजरस लगी हो यार। आपने वो कहावत सुनी है ना, सौ सुनार की एक लुहार की। ए चुप्पे चले गाइस। मैं ना इन सबको चाय शाय पिलाती हूँ, उनको ज्यादा नॉर्मल करती हूँ। मोइन मोइन की हालत बहुत खराब है, सेकंड मोइन को देख लो यार। फिर मैं थोड़ी देर व्लॉग को अभी बंद करो, हम थोड़े स्टेबल हो जाए फिर व्लॉग को शुरू करते हैं। बंद कर दो थोड़ी देर जी गाइस। तो हमारी चाय आ चुकी है, मोइन बहुत ज्यादा सुरदा हो गया था और अब वो तस्वीरें ढूंढ रहा है अपने आप को। अस्तगफार कसम से मेरी भी कुट्टी लग रही।
गाइस ये देखें कितना बीमार है बेचारा, चल झूठा। अभी हम इसको लेके आए हैं, कैसे हैं बाप, खून की उल्टियां बंद हुई है। पाइल्स हो गया था गाइस, हमजा से पूछते हैं, मेन तो वजह हमजा को ही रुलवाना था ना। यार हलाने तुमने मेरे दिल 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 से धक धक की है, रुलवाने वाली बात नहीं थी। चलो यार कोई नहीं, अब बचो तुम। मैं कोई बात नहीं, करो ना नोशी प्लीज, ऐसे मत करो। अच्छा गाइस ज्यादा नोशी तोता नहीं लग रही, तोता मैं हरे रंग का हूँ दिखता, हरे रंग का पोनी भी लेता, बुरा होता गाइस। अच्छा यहाँ पे की थी हारून ने उल्टी, और वो उल्टी मैंने साफ कर दी है, लेकिन फिर भी नीचे नजर आ रही है। चाटा ना तुमने यहाँ पे, तेरे पास कोई और रास्ता है? वो इन खुदा के लिए मुझे पहली बहुत उल्टी आ रही है। वैसे यार किस तरह तुमने पता है मेरे दिमाग हमजा, ये प्लानिंग बहुत पुरानी है, लेकिन तुम्हें याद है एक दफा हमने बाजू में हारून के दर्द हुआ था, वो सब उधर करना था उस दिन प्रैंक, लेकिन उस दिन हुआ ही नहीं, कोई ऐसा मौका ही नहीं, ना कैमरा लगाने का टाइम मिला। दिमाग से चल रहा था, अब आज तो मैंने कहा मैं करके रहूंगी, होना इसके साथ था तो अभी हो सर्कल फैमिली। तुम्हें याद है मोइन एक दफा बाजार में हारून ने कहा मुझे बहुत दर्द है, वो मैंने ही फोन करके हारून को कहा था। शुरू कर दो ड्रामा, अच्छी बात है, अल्लाह मक्सद फरमाएगा तुम लोगों को। गाइस ये देखे मेरी गरम गरम आ चुकी है चाय, और ये सब चाय पिए फिर मैं इनको निकालूं। चलो भाई जल्दी पियो, निकलो इस घर से, चलो चलो चलो। मैं बताऊं हारून मालिश कर रहा, सुकून मिल रहा है। हम हारून बेचारा मोइन को मारता भी तो बहुत है, बस ये औकात पे आके देखा गाइस। हो चुके हैं चाय चाय पी के फारिक, और मैंने अंडे भी उबाले थे पर वो वीडियो में नहीं आए, पूरे 6 अंडे उबाले थे इन लोगों के लिए। अब मैं इन लोगों से पूछती हूँ कि इनको मेरा प्रैंक खून की उल्टियों वाला कैसा लगा। इन्होंने पहले पिलाई है चाय वाली जो है, खून की चाय पिलाई है, फिर अंडे खिलाए, और अब पूछ रहे प्रैंक कैसा है। मैं शुरू में भी यही कह रहा था, अभी भी यही कहूंगा, मुझे निहायत ही बकवास प्रैंक। तुम्हें तो लगेगा ना, तुम्हें रोना तो बढ़ गया इसमें। रोना क्या बढ़ गया, मेरी दिल धक धक हुआ। आप बताएं जी। नहीं ना बहुत बकवास था, अभी यकीन मुझे बाकी भी। अच्छा ये आपका कोड भी खुदा की कसम ही बहुत बकवास है। 4-5 दिन रह गए, बारिश पड़ रही है, धूप निकले की गर्मी आ जाएगी। कोड उठा के ऊपर पूरी सर्दी पहनना है अभी, यही कोड बात तो सही है। गाइस आज नोशी की जैकेट मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं इनसे पूछने वाली थी कि आपने कहाँ से लिया, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने किसी ना बच्चे को पहने हुए देखी है। नहीं बच्चे को नहीं, मैं तोता नहीं, वो तोते वाली बात तो अलग है, जैकेट जो है आपको पता है किसकी है, ईसा की, ईसा की जैकेट, ईसा की पहनी हुई है। ईसा की है कि मैं गवाही दे रहा हूं, इस पे सूट करी थी मुझे, जैसे फिट आ गई तो मैंने कहा क्यों ना। वाह नोशी वाह, तुम्हें भी फिट आती, तुम्हारे बच्चों को फिट आती है, हम सबको पहना के देखो इसको फिट आती तो पहन लिए। गाइस आज का व्लॉग आपको बताना कि आप लोगों को कमेंट्स में कैसा लगा, और बहुत मजा आया होगा, और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग को एंड। अपने घर ले जो अपने क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं फिर यही कहूंगा नहीं लगा अच्छा, व्लॉग अच्छा नहीं था। गाइस मैं अकेले एंड करूं आज क्या? हाँ मैं तो नहीं कह रहा, मेरी तरफ मत करो कैमरा, मुझे नहीं अच्छा लगा भाई यार, खुद प्रैंक करते हैं वो ठीक है, सब चुप हो जाओ, व्लॉग को एंड कर दो, मेरे घर से निकलो सारे, ऐसे तो नहीं होता। गाइस मैं इसके साथ करती हूँ व्लॉग को एंड, कोई लाइक भी नहीं करेगा, चलो यार सब्सक्राइब तो कर दो। कर दो सब्सक्राइब, कर दो यार बड़ी बहन, और बेल आइकन भी दबा दो, बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि हारून मनुसी कोई वीडियो आपसे स्किप ना हो। जी गाइस इन सबको छोड़े, आप बताएं जी आप सब लोगों को मेरी एक्टिंग कैसी लगी आज की? बकवास, हमजा तो बाबा बोल रहा है बकवास है बकवास है, लेकिन मुझे तो अच्छा सही है आज, मुझे सच्ची में अच्छा सही है, बाकी लोगों का मैं चलिए छोड़े गाइस, सारी बातें करते हैं आज व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हमारे साथ रहिए, और गाइस जल्दी से जाके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आप लोगों से हमारी कोई वीडियो स्किप ना हो, और कल का न्यू व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ रहेगा। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।